हेलो गाइस, आइए आज की क्लास अपनी कंडक्टर पे होगी और ये लास्ट क्लास होगी कंडक्टर की। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हॉलो शेल लें और एक से ज़्यादा, मतलब कॉन्सेंट्रिक सेल कहते हैं जिसे हम लोग, सबका सेंटर एक ही हो और उन पर इंडक्शन की वजह से जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो कैसे हम लोग निकालते हैं, अर्थिंग की वजह से क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या की डिस्कस की थी। आज हम लोग करने वाले हैं कि यदि हमारे पास एक प्लेट हो, कंडक्टिंग प्लेट है ना, और इस कंडक्टिंग प्लेट को हम लोग बाहर से कहीं से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे देते हैं कि हाँ चार्ज इसको हमने दिया तो ये चार्ज कहाँ जाएगा। तो इसको हम समझने के लिए प्लेट कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान देंगे। प्लेट कॉन्सेप्ट देखिए हम दो तीन तरीके समझेंगे कि प्लेट पे चार्जेस कैसे दिए जाते हैं। जैसे बोर्ड है तो एक तरह का क्या है, प्लेट है। प्लेट का इधर वाला पोर्शन और उधर वाला पोर्शन अलग अलग शीट का काम करेंगे, क्योंकि शीट एक तरफ पतला सा होता है, ये भी पतला सा होता है। जब हम बात करेंगे प्लेट की तो प्लेट की थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो अगर हम इसको चार्ज दें तो ये चार्ज इसके दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अगर माइनस देंगे तो भी एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ जाना चाहेंगे, दूर दूर। तो वो प्लेट के दोनों सरफेस पे क्या जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर? तो हम एक को अलग से नॉन कंडक्टिंग प्लेट कह सकते हैं या शीट कह सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं ना कि अब ये अकेला एक प्लेट है एकदम पतला सा जिस पे चार्ज क्या है ऐसे बैठा है, और एक अलग से ये है इस पे चार्ज ऐसे है। बीच में चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि कंडक्टर है, तो चार्जेस क्या होती है, फ्लो करके बाहर चली जाएंगी। समझ में ये बात? तो इसको दो नॉन कंडक्टिंग सर्फेसिस का क्या मान सकते हैं हम लोग, कॉम्पोजिशन मान सकते हैं कि हाँ ये ऐसे बना होगा। अच्छा, इस पे हमने जो चार्ज क्यों दिया वो कहाँ जाएगा, दोनों सर्फेस पे कितना कितना, हाफ हाफ कैसे पता चलेगा, या कितना जाएगा, इस पे ज़्यादा जाएगा इस पे कम। उसके लिए एक ट्रिक या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ये है कि कंडक्टर अगर है पूरा अंदर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो एट एनी कॉस्ट। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होने वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगा, हमेशा जीरो होने वाला। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो है, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि इस तरफ प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, एक्स। तो इधर बचा कितना होगा, जो दिया गया है उसी का ना, तो इसमें कितना दिया बचेगा, क्यू माइनस एक्स। तो इस पूरे प्लेट पे क्यू माइनस एक्स चार्ज हो गया और इस पे कितना हो गया, एक्स चार्ज हो गया। अब देखिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये एक जो नॉन कंडक्टिंग शीट हमने कहा माना गया है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा, प्लस है तो ठीक। कितना? तो इनफाइनाइट शीट की वजह से आप लोगों ने पढ़ा है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और इस पूरे शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, प्लस है तो वो भी इधर रिपेल करेगा। कितना? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा दोनों के सेम है? अभी तो हमने नहीं पता है, तो हम सिग्मा को वन और टू लिख लेते हैं। सिग्मा वन कितना लिखा जाएगा? अच्छा, प्लेट का एरिया दोनों तरफ सेम होगा ना, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो अगर इधर का सिग्मा लेंगे ये वाला, तो क्या लिखेंगे, इधर का क्यू चार्ज बाई एरिया, ये हो गया सिग्मा वन का काम, और नीचे टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से उधर, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर आया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा टू को सेम पैटर्न से क्यू क्यू ये हो गया बाई ए, ये हो गया अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और ये सोचिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब ये दोनों तरफ जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली और ये वाली ये बराबर होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इनको और उनको बराबर करते कंडीशन ये फुलफिल करने के लिए, तो उसको लिखेंगे पहले एक तरफ ए टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा, ये और ये वैल्यूज इक्वल कर ली गई ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, आंसर जीरो हो जाए। देखिए सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू माइनस एक्स। तो एक्स इधर आएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू। सॉल्व कर लेंगे इसको, टू एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाई टू। मतलब इस वाले पे कितना चार्ज आ गया, क्यू बाई टू, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो इस तरफ कितना हुआ, क्यू माइनस एक्स लिखा है ना, तो क्यू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई टू। तो सॉल्व करिए, क्यू बाई टू। मतलब दोनों सर्फेसेस पे चार्जेस कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली हाफ हाफ, जितना था उसका हाफ इधर हाफ इधर। समझ में? तो सिंगल प्लेट का तो कॉन्सेप्ट सही है कि अगर कभी भी एक सिंगल प्लेट दिया जाए उसको चार्ज देंगे तो हम दोनों तरफ इक्वली क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे हाफ और हाफ दिए गए चार्ज का। ठीक, लेकिन अगर सोचिए दो दे दिए जाए टच करा के, मतलब पास में दो प्लेट रख दिए जाए, लाइक ऐसा एक प्लेट यहाँ पे और एक प्लेट इसी के जस्ट बगल में, तो इस पे चार्ज अगर मैं दे दूँ, जैसे चार्ज इस पर दे दिया जाए पहले पे प्लस क्यू और इस वाले पे दे दिया जाए माइनस टू क्यू,
कुछ भी दे सकते हैं हम, कई एग्जांपल लेके कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहेगा तो हम कभी भी किसी भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पे क्यू दिया, इस पे कितना दे दिया, -2 q, ये चार्ज। अब बोला है कि इनके कितने सरफेसेस होंगे, दो। इनके भी कितने होंगे, दो। फोर सरफेसेस आर देयर इन दिस क्वेश्चन, तो सब सरफेसेस पे चार्ज कितना होगा ये पूछा इन्होंने। तो इसको करने के हम तीन मेथड बताएंगे। पहला मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग सिंगल वेरिएबल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सिंगल वेरिएबल करना है। स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि प्लेट अगर दो है, तीन है, चार है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी दो का कर रहे हैं, तीन का भी कर लेंगे हम लोग। एक किसी भी सरफेस पे, इनर वाले पे इसके क्या मान लीजिए चार्ज कितना है, एक्स है, तो बाहर वाले पे कितना जाएगा, क्यू माइनस एक्स। क्यू दिया था ना, तो एक्स इधर चला गया तो बचा कितना, क्यू माइनस एक्स, ठीक, इतना हो गया। इस वाले पे देखिएगा, इस पे प्लस माना है तो इस प्लस चार्ज इस पे हो गया ना ढेर सारा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, कहाँ जाएगा, इधर ऐसे आएगा ना। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला तो इसके अंदर से होके जाएगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं खत्म हो गया होगा यहीं पे। और ख़त्म होने के लिए यहाँ पे क्या चार्ज होने चाहिए थे, माइनस, तभी तो खत्म होता। और किसके बराबर, जितना ये है उतना ही ये भी होना चाहिए, तो इस पर कितना मान लेते हैं, माइनस एक्स। समझ में बात, इस पे हमने प्लस माना, उसी के बराबर अपोजिट साइड में यहाँ मानेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट होगा तो टर्मिनेट यहाँ होना पड़ेगा, अदरवाइज इस मेटल के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा, जो कि होना नहीं है। अच्छा, यहाँ माइनस एक्स हो गया, तो सोचिए -2 q था इस पे ना, माइनस एक्स चला गया यहाँ पर, तो कितना बचा, -2 q माइनस माइनस एक्स, करेंगे कि नहीं। अरे ये पूरा चार्ज था, उसमें से इधर इस वाले हिस्से में इतना चला गया, तो इस वाले हिस्से में कितना बचेगा, टोटल में से इतना माइनस कर दें, तो ये कितना हो गया, -2 q + x, इस प्लेट का हो गया। अब चारों प्लेट पे चार्जेस मिल गए, इस पे इतना, इस पे इतना प्लस में, इस वाले के, इस वाले पे माइनस है, और इस वाले पे इतना चार्ज हो गया। सिंगल वेरिएबल में इतना काम कर लिया। अब बस एक जगह, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। किसी एक जगह चले जाइए, मान लेते हैं हम चले जाते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाले कितने लोग हैं, इस समय चार लोग। फोर सर्फेसेस है ना, 1 2 3 एंड 4, चारों लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देंगे, और लेकिन नेट कितना आएगा, जीरो। तो जरा सोचिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देता है, ये वाला सरफेस जो है, राइट या लेफ्ट, राइट साइड देता ना, क्योंकि इस पॉइंट पे इधर देगा, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। पहले ये मतलब डायरेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को बदल लेते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायरेक्ट चार्ज के फॉर्मेट में ये लिख सकते हैं, तो ये वाला लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, क्यू चार्ज हो गया, मतलब क्यू माइनस एक्स चार्ज हो गया, बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस प्लेट की वजह से इधर राइट साइड में, ठीक। ये वाले लोग जो ये है दूसरा सरफेस उधर देगा, ये वाला माइनस है किधर देगा, इधर देगा। तो इस प्लस की वजह, सॉरी इस माइनस की वजह से और इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जीरो, क्योंकि ये प्लस उधर देता इधर है और ये माइनस इधर खींचता, तो नेट क्या हो गया, कट गया। तो इनकी वजह से हम निकालेंगे नहीं, किसकी वजह से निकालने वाले से, इसकी वजह से राइट, और इनकी वजह से किधर होगा, लेफ्ट में होगा। तो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, इनकी वजह से कितना लिखेंगे, -2 q + x अपॉन, नीचे तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही, बराबर क्या करना है, जीरो, हो गया, सही है। अब इसको हम काट ले, इसको इसको उधर रेसिप्रोकेट कर लेते, तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस एक्स इक्वल टू -2 q + x, -2 q जाए तो कितना हो जाएगा, 3 q, और एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 x, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 3 q/2, 3 q/2 हो गया, सही है। अब इस एक्स को अगर मैं यहाँ पे असेंबल करके सही से सॉल्व करके लिख दें, तो चार्जेस कितना कितना आ जाएंगे, अंदर वाले कितना माना है, 3 q/2, और इस वाले कितना हो जाएगा, -3 q/2, क्योंकि एक्स है तो इस पे कितना है, माइनस एक्स है ना, तो इधर कितना बचेगा, क्यू था, एक्स माइनस करना है, तो एक्स तो इतना आ चुका है, तो क्यू में से 3 q/2 माइनस कर दे, तो कितना बचेगा, ये देखिए 1.5 है, तो 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 0.5, माइनस में भी, तो q/2 यहाँ माइनस में, और यहाँ भी कितना आ रहा है, -2 q + x है, तो -2 q + x की वैल्यू कितनी है, 3 q/2, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे कितना आएगा, ये देखिए 2 है और ये 1.5 है, तो 1.5 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, -2 q/2, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, सही है। इतने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो पहला मेथड था जिसमें हम सिंगल वेरिएबल माने, कौन सा, एक्स। एक और तरीका हम इसमें सीखेंगे जिसमें डबल वेरिएबल मानेंगे, जो आपको समझ में आए उसे कर सकते हैं। करना बार बार वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो, कहाँ पे, मेटल के अंदर। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहेगा, तो उसके पहले दो देख लेते हैं, फिर लास्ट वाला देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, मेथड नंबर टू में, मेथड नंबर टू,
इसमें हम लोग करेंगे दो वेरिएबल। दो वेरिएबल कैसे देखें, ये हमने प्लेट लिया, दो प्लेट्स, इन प्लेट्स पे क्या करते हैं, बाहर से हमने चार्ज दिया था कितना क्यू, प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना दिया था, -2 क्यू। यही था क्वेश्चन अपना, देखिए इस पे भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मान लीजिए अंदर कितना चार्ज चला गया, एक्स, तो बाहर कितना बचेगा, क्यू माइनस एक्स, हो गया काम खत्म। इस वाले पे नया मानिए वाई मान लीजिए, और इस वाले पे कितना हो जाएगा, -2 क्यू था ही, उसमें से वाई क्या हो गया, माइनस हो गया, खत्म। तो बचेगा ना इसके पास इतना, हर बार इसमें से माइनस करना है, ये नहीं कि ये चला गया तो इस पर ऐड करने वाले, इसमें से गायब हो गया ना, इस तरफ चला गया तो इस तरफ बचेगा कितना जो था, और टोटल उसमें से उस चला वो वाला माइनस कर लेंगे हम लोग। अब क्या करें, दो वेरिएबल तो कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन। तो एक बार यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लीजिए, एक बार यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा, तो देखिए कितने लोग हैं, चार लोग अभी भी, 1 2 3 4, और सबको हमने प्लस अपने मन से सोचा है, किसी को माइनस नहीं सोचा है ना। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले जो प्लेट की चार्जेस हैं ये किधर देंगे, राइट साइड, बाकी ये तीन प्लेट जो पढ़ रहे हैं 1 2 3, ये तीनों राइट साइड पढ़ रहे हैं, तो किधर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट में देंगे ना। तो इसका एक तरफ कर लीजिए और इन सबका एक तरफ कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, तब तो जीरो आएगा नेट फील्ड यहाँ पे जीरो। तो इसको एक तरफ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्यू माइनस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही था इक्वल्स टू, इसकी वजह से कितना लिखेंगे, एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से क्या लिखेंगे, वाई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, फिर इसकी वजह से क्या लिखेंगे, -2 क्यू माइनस वाई बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं, हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स मानने, पहले पे एक्स मान लीजिए, दूसरे पे वाई। एक्स मान लिया तो इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि टोटल ये था, इसमें से वाई को माइनस करके यहाँ लिख लेंगे, लिख लिया। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना था, तो ये पॉइंट इस प्लेट के राइट साइड में पड़ रहा है, और बाकी इन तीनों प्लेट के किधर पड़ रहा है, लेफ्ट में। तो ये वाले इधर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तीन लोग किधर देंगे, उधर। तो नेट कितना होना है, जीरो होना है, तभी होगा जब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक इक्वल कर लिया, हो गया जीरो का कंडीशन। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर देखिए तो यहाँ देखिए ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट जो है प्लस में है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बाई, तो ये कट जाएगा पोर्शन, ठीक। यहाँ बचेगा कितना, अच्छा नीचे से सबको ए बाई एप्सिलॉन नॉट काट ही लेते हैं, कट लिया। यहाँ बचा क्यू माइनस एक्स बराबर, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ कट गया है, यहाँ -2 क्यू, यहाँ भी खत्म हो गया है। तो एक्स को उधर, इसको इधर लाइए एक्स को, तो कितना हो जाएगा, 2x, और इसको उधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू आएगा ना। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 3 क्यू बाई 2। देखिए अगेन एक्स की वैल्यू 3 क्यू बाई 2 आया, जो कि पिछली बार भी आया था ना, 3 क्यू बाई 2, ठीक है। अभी एक्स आया है तो यहाँ वाला तो समझ में आ गया, कितना लिखेंगे, 3 क्यू, इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, -Q/2। पहले प्लेट का तो काम हो गया, अभी वाई का कैसे निकलेगा, वाई निकलेगा तभी तो उधर का आएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो करिए, तो इस पॉइंट के लिए कौन लेफ्ट में है, अब तीन लोग लेफ्ट में हो गए, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा राइट। तो पहले इन तीनों का लिख लीजिए, एक तरफ किसके बराबर हो जाएगा, ये जो राइट साइड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, ये वाला चार्ज लेफ्ट में, तो इसके अकेले के बराबर होगा इन तीनों का। तो पहले इसका लिख लीजिए, उसका तीनों का लिख, तो इन तीनों का लिख लेते हैं हम लोग। तो वो कितना देगा, क्यू माइनस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये कितना देगा, एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये कितना देगा, वाई बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये अकेला देगा उधर लेफ्ट में, कितना देगा, -2 क्यू माइनस वाई बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे से काट लीजिए, ठीक। चलिए देखिए ये प्लस माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, एक्स कट गया इस बार, तो क्यू बचेगा, यहाँ से वाई बचेगा, यहाँ से -2 क्यू माइनस वाई, वाई को उधर लाइए तो 2y हो गया, इधर कितना है, -2 क्यू, और ये क्यू भी आ जाएगा तो -q हो जाएगा, कितना हो गया, -3 क्यू। तो y बराबर सोचिए कितना आया, -3 क्यू बाई 2। देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 क्यू बाई 2। ध्यान से देखिए ये दोनों आपस में बराबर, बस मैग्नीट्यूड क्या अलग, सॉरी साइन क्या अलग अलग है, जो कि पिछली बार भी आया था। अब y आ गया तो इसमें से y माइनस कर लीजिए, -2 क्यू माइनस वाई, तो माइनस वाई लिखेंगे तो -3 क्यू बाई 2 करेंगे, तो ये क्या मिलाकर हो जाएगा, प्लस, तो -2 क्यू प्लस 3 क्यू बाई 2। सॉल्व करिए, ये 2 है, 1.5 है, कितना हो जाएगा, -3 बाई 2, सेम प्रीवियस जैसा आंसर है, ठीक। तो ये तो दो मेथड थे जिसमें एक वेरिएबल और दो वेरिएबल लेके हम थोड़ा लंबा मेथड कर, मतलब लेंदी कर ले सकते हैं, प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा। लेकिन अगर इससे छोटा करना हो, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में अगर आता है तो क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, नहीं। तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में चलता है कॉन्सेप्ट ट्रिक। वो ट्रिक देखिए कितना सिंपल है। पहला पॉइंट, मेथड नंबर क्या है, ये मेथड नंबर थर्ड,
ठीक है। इस मेथड नंबर थर्ड में पहली पॉइंट को याद रखना यह है कि ईच फेसिंग सरफेसेस सरफेसेस हैव सेम चार्ज इन ए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये प्लेट हैं तीन, मान लीजिए अभी तीन वाला भी क्वेश्चन हम करेंगे, ये हैं। अब सोचिए मैं कहूँ कि ये और ये प्लेट आपस में फेस पे हैं एक तरफ, तो इन पे जो चार्जेज आएंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड। हो सकता है कि इनकी वैल्यू सेम है लेकिन साइन क्या हो, अलग हो, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक पे अगर प्लस हुआ तो वही चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस इस पे, और इस पे प्लस हुआ तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इस पे दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, इस पे प्लस तो इस पे माइनस, और इस पे प्लस तो इस पे माइनस। तो फेसिंग वाले पे हमेशा क्या करना है, बराबर एक का निकल जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक कर लेंगे। ठीक, दूसरी पॉइंट, आउटर सर्फेसेस पर, आउटर सर्फेसेस पर जो चार्ज होता है, आउटर सर्फेसेस चार्ज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ओवर टू। इसका देखिए क्या मतलब है, आउटर सरफेस मतलब वही वाला क्वेश्चन लेके करते हैं, डायरेक्ट देखिए कितना आंसर आता है। इस पर हमने दिया था कैपिटल क्यू, इस पर दिया था माइनस टू क्यू। ठीक है, पहले ये वाला पॉइंट उठाइए, आउटर सर्फेसेस पे जो चार्ज देने हैं, आउटर सर्फेस मतलब ये वाला सर्फेस हो गया और कौन सा सर्फेस हो गया, ये वाला। तो इन दोनों पर कितना चार्ज देना है, टोटल चार्ज का हाफ। तो टोटल चार्ज कितना है, देखिए यहाँ क्यू है माइनस क्यू है, तो कितना हुआ, माइनस क्यू बचाना, टोटल चार्ज माइनस क्यू है। मतलब ये कि आउटर वाले पे कितना आएगा, टोटल चार्ज का आधा कीजिए, माइनस क्यू का आधा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई टू। इस वाले पे भी कितना देना है, माइनस क्यू बाई टू, खत्म। याद करिए पीछे वाले में भी यही आंसर आया था, उसको करने में कितना समय लगा, इस वाले को बहुत ही कम समय, कॉन्सेप्ट याद है, दोनों को जोड़ेंगे हाफ करेंगे बार बार दे देंगे, हो गया खत्म। अब सोचिए इस पे क्यू था, माइनस क्यू बाई टू तो ले गया, तो इसके पास बचा कितना, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, देखिए क्यू था, क्यू बाई टू माइनस में ले गया वो, तो कितना बचेगा अंदर वाले के लिए, टोटल में से उसको माइनस कीजिए तो ऐसे, तो कितना हो जाएगा, टू थ्री, थ्री क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू प्लस में आ गया। और इस वाले को अगर यूज करेंगे फेस वाले पे, बराबर मैग्नीट्यूड होता है, तो देखिए मैग्नीट्यूड तो इस पे लिखेंगे थ्री क्यू बाई टू, लेकिन साथ में क्या लगा, लेकिन माइनस। और यहाँ से भी करते तो आ जाता, इस टू क्यू में से इसको माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, माइनस थ्री क्यू बाई टू आ रहा है, सेम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये दो मेथड, दो पॉइंट्स, इनको याद रखेंगे तो प्लेट के जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने आराम से कर सकते हैं। मैं तीन प्लेट वाला करवा दे रहा हूँ, ठीक है, वो कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं सेम इसी ट्रिक से। अगर बोर्ड में तो आएगा नहीं ये, खैर अगर किसी को समझाना दूसरे मेथड से तो दो और मेथड बताए, उससे आप समझा सकते हैं। बाकी आपको अगर करना है, समय बचाना है, तो इस मेथड से कर लीजिए। एक और क्वेश्चन थ्री प्लेट्स के, जैसे ये हमारे पास प्लेट है, इस पे हमने दिया क्यू प्लस में, इसको माइनस टू क्यू दिया, माइनस क्यू दे देते हैं, और इसको प्लस थ्री क्यू दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना दे दिया हमने। अब सोचिए ये इसको कर लेते हैं ऐसा, माइनस टू क्यू कर लेते हैं, तो आउटर सर्फेसेस दो हैं, ये और ये, तो इन पे चार्ज कितना आएगा, टोटल का सम पहले कर लीजिए, उसी का हाफ करना है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस माइनस टू क्यू प्लस क्यू, साइन के साथ चार्जेस को ऐड किया जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐड कर लिए थ्री टू फाइव और वन सिक्स हो गया, नहीं, विद साइन। देखिए टू थ्री क्यू और क्यू कितना हो गया, कट के क्यू, और यहाँ क्यू कितना हो गया, टू क्यू, तो टोटल चार्ज कितना है, टू क्यू है, तो हाफ हाफ कितना होगा, क्यू हुआ और क्यू हुआ, हो गया खत्म, इतना तो सिंपल हो गया। अब सोचिए कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ क्यू था, ये क्यू ले गया, तो कितना बचेगा इसके पास, जीरो, और इसके पास जीरो तो इसके पास भी जीरो, क्योंकि फेसिंग में इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा यहाँ माइनस टू क्यू था, ये क्यू ले गया, तो कितना आ गया, माइनस टू क्यू हो गया, ये क्यू था, इसके पास थ्री क्यू था, क्यू खा गया, थ्री क्यू में से क्यू खा गया, तो कितना बचेगा, टू क्यू, देखिए अपोजिट में अब इक्वल है कि नहीं मैग्नीट्यूड फेसिंग वाले पे, खत्म, सॉल्व हो गया, सही है। एक और कर ले तीन का, चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। मान लीजिए बीच वाले में चार्ज ना दें हम, बीच वाले पे चार्ज नहीं है, नो चार्ज, तो क्या करेंगे, सेम पैटर्न, इस बार चार्ज कितना होगा, सम कीजिए, थ्री और वन, फोर क्यू, फोर क्यू का आधा कितना हो जाएगा, टू क्यू, उस पर टू क्यू उस पर दे दीजिए, खत्म, ये प्लस प्लस में होंगे। अच्छा
यहाँ क्यू था, ये टू क्यू खा गया, तो कितना बचेगा अंदर वाले के लिए, क्यू में से इस टू क्यू को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू आ गया। देखिए नेट करके जोड़िए, टू क्यू आ रहा है ना, टू क्यू और माइनस क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा, हो गया इसका काम। ये माइनस क्यू तो इस पर कितना, प्लस क्यू, इस पर चार्ज था ही नहीं, तो नेट चार्ज जीरो होने के लिए कितना होना पड़ेगा इसको, माइनस क्यू। अब देखिए नेट चार्ज जीरो हो गया, अब ये माइनस क्यू तो इस पर प्लस क्यू, देखिए टू और थ्री, सही है। तो ये हमारे पास प्लेट कॉन्सेप्ट था चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे जितने हैं। इसके पहले हम लोगों ने स्फेरिकल सेल पे बात किया था, आज इस पर बात कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे कैपेसिटर, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू।